पाली जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दलित की जमीन पर किया है दबंगों ने कब्जा। जी हाँ, दलित की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया। साथ ही साथ पाली जिले के सादड़ी गांव के रणकपुर रोड पर दलित किसान कपूराराम की खातेदारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया। आपको बता दूं कि पीड़ित कपूराराम का कहना है कि पटवारी पारचाराम जाट व पुलिस की मिली भगती से यह कब्जे किए गए। साथ ही साथ वहीं कोर्ट के स्टे के बाद भी दीवार व गेट लगाए गए गागराम माली द्वारा। आपको बता दूं कि गागराम माली द्वारा गेट और दीवार भी लगाए गए हैं। ये सर 8 मीटर हमारा रास्ता चौड़ा था, उसको भी सगड़ा कर दिया है। और पीछे से ये हमारे भगवान का मंदिर है, 3 पीढ़ियों से हमारे दादाजी ने बैठाए थे ये भगवान। जब कुआं खुदाई की जब 150 बरस पहले, तो ये कुआं ये भगवान भी इसने अंदर ले लिया है और गलत रूप से हमारे यहाँ फाटक भी खोल दिए। ये सड़े में फाटक होती नहीं है, पटवारी हमारे यहाँ से नापता भी नहीं है। और ये तहसीलदार भी आया था, तहसीलदार जी ने मुझे ये ज़रूर कहा था कि भाई ये उस पार्टी को भी कहा था कि भाई ये गेट पीछे ले ले, गेट हटा दे और ये दीवार पीछे ले ले भगवान के मंदिर से। तो उसने माना ही नहीं इस बात को। तो अब वो तहसीलदार जी, मैंने 181 पर, पुलिस वाले तो मेरी जांच भी नहीं करते, पुलिस वाले तो मेरी रिपोर्ट भी नहीं लेते। फिर मैंने 181 पोर्टल पर रिपोर्ट डाली तो फिर जांच आई, तो DYSP आया, तो मैंने सारे ये स्टेटमेंट उनको दिए। मगर मौका भी बताया देखा तो उन डिप्टी साहब भी मुझे उल्टी धमकी देने लगे। दूसरी बार ये गंगाराम लेके आया है और ये माड़ी है गंगाराम और ये SC की ज़मीन पर हमारे बाप दादों की प्रॉपर्टी है, हमारे परिवार पूरा रहता है यहाँ पे, सालों से रह रहा है। तो ये लेके आया तो डिप्टी साहब को कहा तुम्हारे खिलाफ़ में FIR दर्ज होगी, ये मकान भी गिर जाएंगे आपके और ये सड़ा भी पूरा दब जाएगा। ये तो रास्ते में हमने छोड़ दिया है, बाकी तो हम तो छोड़ते ही नहीं कहीं, ये हमारे है ही नहीं, इनका रास्ता भी इधर नहीं है, मैं रास्ता भी बंद कर दूंगा और ये मकान भी गिरा दूंगा, ये मकान भी आपके अंदर आ गए हमारे। तो ये मैंने कहा गलत बात है ये तो इस तरीके से। तो हम यहाँ PDO से बैठे हुए हैं, तीसरी पीढ़ी है हमारी, अभी हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारी 60 साल की उम्र होने जा रही है और अभी ये बोल रहा है अभी 3 बरस पहले इसने खेत खरीदा है और ये खेत है ना दो बरस पहले ही मात्र खरीदा है इसने। और ये माला हमको डरा धमका करके, पुलिस और पटवारी को ला करके डरा धमका करके ये कब्जा कर दिया इसने और ये सुनता भी नहीं है हमारी बात। डिप्टी साहब भी नहीं सुनते उनको, वो उल्टा हमको धमकाते हैं कि तुम्हारे खिलाफ़ चालान बनेगा।